हेलो व्यवर्स वेलकम टू अवर चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आज हम जिस स्मॉल कैप स्टॉक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अवेंटल लिमिटेड और इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बिजनेस के बारे में इसके फाइनेंशियल्स इसकी मैनेजमेंट और जानेंगे इसकी इंटेंसिक वैल्यू एवेंटल लिमिटेड एक कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कंपनी है इसका मेन बिजनेस है डिजाइनिंग डिवेलपिंग एंड मैंटेनिंग वायरलेस एंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रेडार सिस्टम्स एंड डिवेलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर इट्स कस्टमर्स मेजरली फ्रॉम एयरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर कंपनी की तीन की सर्विसेज हैं फर्स्ट है सेट कंपनी डेवलप करती है कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस फॉर आई बेस्ड मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज विद एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मिल्ट्री एप्लीकेशन इन्होंने इंडियन रेलवेज के लिए कॉस्ट एफेक्टिव सोल्यूशन डिवेल्प किया है पोजिशन डिटर्मिनेशन और लोकेशन ट्रांसमिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक के लिए और ये एक यूनिक और रियल टाइम सॉफ्टवेयर है सेकेंड है वायरलेस वायरलेस प्रोडक्ट्स में इस कंपनी के बड़े कस्टमर्स में से एक है इंडियन मिलिट्री ये मिलिट्री के लिए रेडार सब सिस्टम्स सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड रेडियोज़ और डाटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं थर्ड है सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर सेगमेंट में डेवलप करती है एम्बेडेड सिस्टम्स और ये प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन सर्विसेज विजुअल सिमुलेशन एंड जीआईएस सर्विसेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मल्टीमीडिया सॉल्यूशंस और इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू में सेवेंटी परसेंट सेट प्रोडक्ट्स का ही रोल है और इसके टोटल एटी परसेंट रेवेन्यू सिर्फ डिफेंस और डिफेंस रिसर्च ऑर्ग ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं उनसे आता है कंपनी का आर एन डी डिपार्टमेंट भी है कंपनी नाइन परसेंट अपने आर एंड डी पर स्पेंड करता है और कंपनी अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए नए सिस्टम्स डिवेल्प कर रही है कंपनी ने बिजनेस की डाइवर्सिफ़िकेशन भी की है कंपनी नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर भी स्पेंड कर रही है एफ़ वाई ट्वेंटी टू में कंपनी ने मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज में नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं इनमें एयरबॉर्न वर्जनज एंड हाई पावर एच एफ सिस्टम्स शामिल हैं मेडिकल सेगमेंट में इन्होंने स्किन स्टेपलर्स रिमूवर्स एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मैनुफैक्चर किए हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो भी डिवेल्प कर रही है आगे बात करते हैं इसके केपेक्स प्लान कंपनी ने सेप्टेम्बर टू में एक्वायर किया होली ऑन सब्सिडरी आई मेड्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को जो कि मैन्युफैक्चर करती है वेरियस मेडिकल और हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स को और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ रुपीज़ टू करोड़ थी कंपनी ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की है आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक जोन विशाखापट्टनम में और इनका प्लान है फर्दर न्यू कैपेसिटी इस्टेब्लिश करने का मेडिकल डिवाइसिस के लिए और इसके लिए रुपीज़ ट्वेंटी फाइव करोड़ का कैपेक्स प्लान किया गया है अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स इसका मार्केट कैप है फोर हंड्रेड सिक्सटी सिक्स करोड़ करंट प्राइस है टू हंड्रेड एट्टी एट रुपीज़ आर ओ सी ई है ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट परसेंट आर ओ ई है ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट डेप टू इक्टी है 0.19, टोटल डेप्ट है 15.6 करोड़ एक तरह से डेप्ट फ्री भी बोला जा सकता है इसे क्योंकि इसके रिजर्व्स हैं 79.7 करोड़, कैश इक्विवेलेंट्स है पॉइंट करोड़ और इन्वेंट्री है सिक्सटीन करोड़, सेवन आर ओ ई फाइव ईयर्स है ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव परसेंट आर ओ सी ई फाइव ईयर्स है थर्टी पॉइंट एट परसेंट और सेल्स ग्रोथ फाइव ईयर्स है ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ फाइव ईयर्स है एट्टी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग है 40.14 और इसे हम आगे डिस्कस करेंगे हम आपको बता दें कि इसकी आर लास्ट टेन ईयर्स में ट्वेंटी परसेंट से नीचे नहीं गई है और इसका स्टॉक प्राइस सी ए जी आर लास्ट टेन ईयर्स में थर्टी फाइव परसेंट है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो इसकी सेल्स लगातार इंक्रीज होती जा रही हैं ये टू थाउजेंड एलेवन में एटीन करोड़ थी और अब बढ़ के ये सेवेंटी सेवन करोड़ तक पहुंच गई हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है और साथ में ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंक्रीज़ हुए हैं इसके फिक्स्ड एसेट्स भी टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये पॉजिटिव पॉइंट है इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो ये फोर्टी पॉइंट वन फोर परसेंट है और पब्लिक के पास फिफ्टी नाइन पॉइंट एट सिक्स परसेंट है बट पब्लिक में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट है बाकी का थर्टी वन पॉइंट एट सेवन परसेंट अदर पार्टीज़ के पास है मीन्स 27.99% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है और 72.01% प्रमोटर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तीन नॉन इंडिपेंडेंट और चार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और ये गुड गवर्नेंस की निशानी है और इसकी ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन एंड रेमेशन कमेटी के सभी मेंबर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और चेयरपर्सन भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है आपको बता दें नॉमिनेशन एंड रेमोरेशन कमेटी का काम है ओनर और बाकी के डायरेक्टर्स की सैलरी डिसाइड करना और इसमें इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन होना बहुत ज़रूरी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में इन्होंने अपनी सब्सिडी जो कि है आई मेरस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट की है जो कि लगभग थ्री पॉइंट फाइव करोड़ है और इस इन्वेस्टमेंट में आते हैं रेंट सैलरी और रेमोनरेशन और इन्होंने किसी तरह का लोन नहीं दिया है किसी भी पार्टी को और एक ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है और इसकी डिविडेंड यील्ड है 0.36 परसेंट इन्होंने डिविडेंड दिया है बट मेरे ओपिनियन में अगर ये डिविडेंड ना देकर अपना डेप्ट और कम कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता बट सब कंपनीज़ अपने शेयर होल्डर्स को कैसे भी करके अप्रिशिएट करना चाहती हैं सो ये भी शायद उस वजह से डिविडेंड पे कर रही हैं तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मार्केट पोटेंशियल की इसका मार्केट पोटेंशियल इसी से पता चलता है कि इसके मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो रहा है और ये लास्ट फाइव ईयर्स में 1.48 परसेंट से बढ़ के थ्री परसेंट पहुंच चुका है इसका मार्केट पोटेंशियल इसके क्लाइंट्स से भी पता लग जाता है इसके कस्टमर बेस में इंक्लूडेड है इंडियन आर्मी इंडियन रेलवेज इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी इसरो डी आर डी ओ एल एंड टी बोइंग गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और सी एस एल कंपनी ने लास्ट टू डेकेर्यस में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट बिजनेस में और एक कंपनी यूनिक कम्बीशन ऑफर करती है एम्बेडेड सिस्टम्स और रिलेटेड सॉफ्टवेयर में जो कि यूज़ होते हैं डिफेंस सेक्टर में और आर सिस्टम्स जो कि यूज़ होते हैं सिविलियन टेलीकॉम सेगमेंट में कंपनी के पास अभी अनएक्यूटिड टू हंड्रेड करोड़ के ऑर्डर्स हैं और इस अमाउंट में से 126 करोड़ रेलवेज़ के ऑर्डर हैं इसके पास हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स का इसके फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्टस पर हाई इम्पैक्ट पड़ेगा एफ़ वाई ट्वेंटी में कंपनी ने हाईएस्ट वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट किया था इंडियन नेवी के साथ जो कि था 125 ट्वेंटी फाइव वन किलो वट एच ट्रांसीवर्स का और उसमें से 71 डिलीवर कर दिए गए हैं अभी तक एक और माइलस्टोन कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था एफ़ वाई में इन्होंने एस एच ए आर इसरो से प्रोजेक्ट मिला था इन्हें और जो एक टाइमली एग्जीक्यूट किया हुआ प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट था रिफर्विशमेंट ऑफ 49 नाइन मेगा विंड प्रोफाइलर रेडार सो ये पास प्रोजेक्ट्स जो कि कंप्लीट किए गए हैं टाइमली या फिर टाइमली उनका एग्जीक्यूशन चल रहा है कंपनी के फ्यूचर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स माने जा रहे हैं कंपनी ने स्ट्रैटेजिक टाइप्स किए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इसमें ये डिफरेंट सब सिस्टम सप्लाई करते हैं डिफरेंट इंडियन डिफेंस ऑर्डर्स के लिए एडिशनली इसका टाइप एल एन टी के साथ भी है और जहाँ भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है एवेंटल उनको उन सब प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करता है और इसरो के साथ भी एवेंटल कोलेबोरेट कर रहा है वेंटिलेटर्स के लिए कंपनी ने जुलाई 2021 में लॉक हीड मार्टिन कॉरपोरेशन से 15 करोड़ का ऑर्डर रिसीव किया है सैटकॉम सिस्टम सप्लाई करने के लिए आप सबको पता ही है लॉक हीड मार्टिन यू की सबसे बड़ी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक से 8.8 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये सैटकॉम इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए है 7.8 करोड़ का ऑर्डर रिसीव किया गया है आई और नेवी से ए एम सी सेट सिस्टम्स के लिए कंपनी ने नवंबर 2021 में भारत इलेक्ट्रॉनिक से एक और ऑर्डर रिसीव किया था नाइन करोड़ रुपीस का सैडकॉम इक्विपमेंट की सप्लाई और इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी को 125.68 करोड का हाई वैल्यू ऑर्डर एल से मिला है फॉर सप्लाई ऑफ 6300 लोको यूनिट्स फॉर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो कि इंडियन रेलवेज़ को आगे सप्लाई किए जाएंगे और इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी इंटरेंसिक वैल्यू है थ्री हंड्रेड आप खुद से किसी भी इंडियन स्टॉक की इंटरेंसिक इंस्ट्रिंस, वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसका हमने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा एक बार ज़रूर चेक करें और ख़ुद से इंटरेंसिक वैल्यू निकालना सीखें सो एवेंटर लिमिटेड लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बनने का पोटेंशियल रखती है इसके सेट कॉम बिजनेस में कुछ बहुत बड़ी कंपनीज इसकी क्लाइंट्स हैं और हम आपको बता दें हमने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट भी किया है जब हमने इस कंपनी को आइडेंटिफाई किया था उस टाइम इसका प्राइस इसकी इंटरेंसिक वैल्यू से बहुत कम था और उसके बाद प्राइस इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा गया और काफ़ी टाइम तक ये इंटरेंसिक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था लेकिन अभी रिसेंटली बोनस शेयर इशू हुए और मार्केट में कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी वो होने की वजह से ये दोबारा इंटरेंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ख़ुद से इसका एनालिसिस ज़रूर करें आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेटर्स जिससे हम और ऐसे स्टॉक्स का एनालिसिस लेके आते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद